गुड मॉर्निंग एवरीवन, मैं कौशलेंद्र कुमार, स्वागत है आपका इस चैनल में जिसका नाम है मैथ्स बाय कौशलेंद्र सर। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग देखेंगे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का प्रॉब्लम, बुक होगा एनसीईआरटी और एक्सरसाइज होगा 2.2। आज हम लोग सवाल करेंगे क्वेश्चन नंबर 15 से। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 14 तक हम पहले ही बता चुके हैं, आप प्लेलिस्ट में जा कर करके उस वीडियो को देख लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, वीडियो को लाइक भी कीजिए और वीडियो को अंत अंत तक देखिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग लाभ उठा सकें। चलिए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 से। 15 नंबर सवाल है कि टैन इनवर्स x माइनस 1 अपॉन x माइनस 2 प्लस टैन इनवर्स x प्लस 1 अपॉन x प्लस 2 इज इक्वल्स टू पाई बाई 4, तो x का वैल्यू क्या होगा। तो देखिए यहाँ हम लोग क्या करेंगे, यहाँ टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई का फॉर्मूला लगा देंगे। उम्मीद है फॉर्मूला आपको याद होगा, टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई का फॉर्मूला होता है टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन वन माइनस एक्स इंटू वाई। चलिए इसी फॉर्मूला को लगाते हुए इसके सॉल्यूशन को हम लोग देखते हैं। तो सॉल्यूशन होगा, देखिए टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई, तो एक्स के जगह पर कितना है एक्स माइनस वन अपॉन एक्स माइनस टू प्लस वाई एक्स प्लस वन अपॉन एक्स प्लस टू डिवाइडेड बाई वन माइनस एक्स इंटू वाई, तो एक्स के जगह पर एक्स माइनस वन इंटू एक्स माइनस टू इंटू एक्स प्लस वन अपॉन एक्स प्लस टू इज इक्वल्स टू है पाई बाई 4। अब यहाँ से आप टेन इनवर्स को हटा दीजिए तो राइट हैंड साइड में चला जाएगा टेन पाई बाई 4। और यहाँ इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो सिंप्लीफाई करने के लिए देखिए न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का एलसीएम सेम हो जाएगा। एलसीएम होगा न्यूमरेटर में एक्स माइनस टू इंटू एक्स प्लस टू और डिनोमिनेटर में भी होगा एक्स माइनस टू और एक्स प्लस टू, तो दोनों एलसीएम एक दूसरे से कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा एक्स माइनस वन इंटू एक्स प्लस टू प्लस यहाँ हो जाएगा एक्स माइनस टू इंटू एक्स प्लस वन डिवाइडेड बाई ये एक्स माइनस टू इंटू एक्स प्लस टू, ये हो जाएगा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्मूला से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और माइनस ये हो जाएगा एक्स माइनस वन इंटू एक्स प्लस वन यानी एक्स स्क्वायर माइनस वन ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी के फॉर्मूला से, और ये टेन पाई बाई 4 का वैल्यू हो जाएगा 1। तो अब आप क्या करेंगे, अब देखिए x माइनस वन इंटू एक्स प्लस टू है तो इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस टू एक्स और माइनस टू, और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस एक्स माइनस टू इज इक्वल्स टू, ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से जाएगा, नहीं पहले नीचे ही सॉल्व कर लेते हैं। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस फोर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वन इज इक्वल्स टू वन। अब देखिए यहाँ एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर मिलकर के हो गया टू एक्स स्क्वायर, अब देखिए टू एक्स और टू एक्स कैंसिल हो गया, एक्स और एक्स भी कैंसिल हो गया, तो ऊपर में बच गया माइनस टू और माइनस टू यानी माइनस फोर, और नीचे में देखिए एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया तो ये बच गया माइनस फोर और प्लस वन यानी माइनस थ्री, और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा वन से तो ये हो जाएगा माइनस थ्री, तो ये मिल जाएगा टू एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू, ये फोर उधर चला जाएगा तो फोर माइनस तीन यानी वन, तो यहाँ से आप लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू वन अपॉन टू, और एक्स का वैल्यू मिल जाएगा आपको प्लस माइनस वन बाई रूट टू, यही आपका आंसर है। उम्मीद करते हैं कि ये सवाल अच्छे से आप सीख गए होंगे। चलिए सवाल नंबर 16 की ओर चलते हैं। 16 नंबर प्रॉब्लम है फाइंड साइन इनवर्स साइन टू पाई बाई 3। अब ज़रा ध्यान दीजिएगा, यहाँ अगर रहता साइन इनवर्स साइन थीटा तो वैल्यू हम लिखते थीटा, लेकिन तब जब थीटा का मान माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के बीच में होता। यहाँ आप देख रहे हैं कि 2 पाई बाई 3 जो है इसका मतलब हो गया 120 डिग्री, तो आप देख रहे हैं 2 पाई बाई 3 मतलब हो गया 120 डिग्री, और ये माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के बीच में नहीं है, यानी ये फॉर्मूला आप नहीं लगाएंगे,
जरा ध्यान देंगे इस बात को कि साइन इनवर्स साइन थीटा इज इक्वल्स टू थीटा तब और केवल तब होता है जब थीटा का मान माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू के बीच में हो। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये वैल्यू उसके बीच में नहीं है, तो आप सबसे पहले क्या कीजिएगा कि उस वैल्यू को जो दिया हुआ है 2 पाई बाई थ्री उसको उसी के रेंज में लाया जाए। तो हम इसको लिख सकते हैं साइन इनवर्स साइन 2 पाई बाई थ्री को आप लिख दीजिए पाई माइनस पाई बाई थ्री, कोई फॉर्मूला नहीं लगाए, इसको अल्जेब्रिक तरीके से तोड़े कि 3 पाई माइनस पाई हो जाएगा 2 पाई और डिवाइडेड बाई थ्री। अब यहाँ लगा दीजिए फॉर्मूला कि साइन पाई माइनस थीटा इज इक्वल्स टू क्या होगा, तो पाई माइनस थीटा यानी ये किस क्वाड्रेंट में चला गया, सेकेंड क्वाड्रेंट में। सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, पॉजिटिव, और जब पाई है यानी 180 है यानी 90 का इवन मल्टीपुल है यानी कन्वर्जन नहीं होगा, तो साइन साइन में रह जाएगा यानी ये हो जाएगा साइन थीटा, यानी साइन पाई माइनस थीटा को आप क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा। तो यहाँ से आपको मिल जाएगा साइन इनवर्स साइन पाई माइनस थीटा यानी साइन थीटा मतलब साइन पाई बाई थ्री। अब आप देख रहे हैं कि ये पाई बाई थ्री जो है माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू के बीच में आ गया, ये 90 डिग्री या 60 डिग्री, तो माइनस 90 से प्लस 90 के बीच में 60 डिग्री आ गया। यानी यहाँ पर आप फॉर्मूला लगा सकते हैं साइन इनवर्स साइन थीटा इज इक्वल्स टू थीटा, यानी साइन इनवर्स साइन पाई बाई थ्री का वैल्यू हो जाएगा पाई बाई थ्री, और यही आपका आंसर है। उम्मीद करते हैं कि ये सवाल भी आप अच्छे से सीख गए होंगे। चलिए सवाल नंबर 17 की ओर चलते हैं। नेक्स्ट है फाइंड टेन इनवर्स टेन थ्री पाई बाई फोर। यहाँ भी आप उसी तरह से फॉर्मूला लगाएंगे कि टेन इनवर्स टेन थीटा इज इक्वल्स टू होता है थीटा, लेकिन थीटा का वैल्यू होनी चाहिए माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू के बीच में। यहाँ देख रहे हैं आप कि 3 पाई बाई फोर डज नॉट बिलोंग्स टू माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू, इसीलिए टेन इनवर्स टेन थीटा इज इक्वल्स टू थीटा यहाँ पर नहीं होगा। क्यों भाई, क्योंकि टेन इनवर्स का रेंज होता है माइनस पाई बाई टू से प्लस पाई बाई टू, इसलिए हमने कहा कि ये फॉर्मूला अप्लाई नहीं करेंगे क्योंकि 3 पाई बाई फोर यानी 135 डिग्री इसके रेंज से बाहर हो गया। तो फिर हम टेन 3 पाई बाई फोर को तोड़ेंगे। टेन 3 पाई बाई फोर को कैसे तोड़ते हैं, देखिए ये है टेन इनवर्स टेन 3 पाई बाई फोर को लिखते हैं पाई माइनस पाई बाई फोर। अब यहाँ फॉर्मूला लगाएंगे कि टेन पाई माइनस थीटा क्या होगा, टेन पाई माइनस थीटा, तो देखिए पाई माइनस थीटा चला गया सेकेंड क्वाड्रेंट में, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में टेन होता है निगेटिव, यहाँ पॉजिटिव होता है सिर्फ साइन और कॉसेक, ऑल स्टेशन टिकट कलेक्टर या आफ्टर स्कूल टू कॉलेज या एड शुगर टू कॉफ़ी या ऑल सिल्वर टी कप्स, यहाँ सब पॉजिटिव, यहाँ साइन और कॉसेक पॉजिटिव, यहाँ टेन और कॉट, यहाँ कॉस और सेक, तो यहाँ पॉजिटिव कौन हुआ, साइन और कॉसेक, इसका मतलब टेन क्या हो जाएगा, निगेटिव। और अभी बताए थे पाई में, पाई मतलब 180 मतलब 90 का इवन मल्टीपुल यानी कन्वर्जन नहीं होगा यानी टेन ही रह जाएगा। तो आप फॉर्मूला लगाएंगे टेन पाई माइनस थीटा इज इक्वल्स टू माइनस टेन थीटा, तो ये हो जाएगा आपका टेन इनवर्स माइनस टेन पाई बाई फोर। अब फिर यहाँ इनवर्स का एक फॉर्मूला लगाएंगे कि टेन इनवर्स माइनस थीटा इज इक्वल्स टू होता है माइनस टेन इनवर्स थीटा, तो इस हिसाब से निकल जाएगा टेन इनवर्स माइनस थीटा, इस पूरे को थीटा मान लीजिए, तो मिलेगा माइनस टेन इनवर्स थीटा यानी टेन पाई बाई फोर। अब यहाँ पर आपका फॉर्मूला हो गया टेन इनवर्स टेन पाई बाई फोर, और पाई बाई फोर टेन इनवर्स के रेंज में भी आ गया, तो मिल जाएगा टेन इनवर्स टेन थीटा इज इक्वल्स टू थीटा, यानी आंसर हो गया आपका माइनस पाई बाई फोर। उम्मीद करते हैं कि ये सवाल भी आप अच्छे से सीख गए होंगे। चलिए सवाल नंबर 18 की ओर चलते हैं। सवाल नंबर 18 है फाइंड टेन ऑफ साइन इनवर्स थ्री बाई फाइव
प्लस कॉट इनवर्स 3/2। देखिए इस सवाल को बनाने के लिए क्या सोचना चाहिए, हम लोगों को पहले ये सोचना चाहिए कि ब्रैकेट के अंदर जो क्वांटिटी है वो दोनों सेम में बदल जाए तो अच्छा रहेगा कि इस दोनों को हम 10 में बदल देते हैं। तो यहाँ तो बड़ा आसान फॉर्मूला लग जाएगा, यहाँ हो जाएगा कॉट इनवर्स थीटा इज इक्वल्स टू 10 इनवर्स 1/थीटा, और यहाँ लगाएंगे कन्वर्जन फार्मूला साइन इनवर्स थीटा इज इक्वल्स टू 10 इनवर्स थीटा वाई अंडर रूट 1 - थीटा स्क्वायर, या अगर हम कर दें साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल्स टू 10 इनवर्स एक्स अपॉन अंडर रूट 1 - एक्स स्क्वायर, ये दोनों फार्मूला हम लोग यहाँ लगाएंगे। तो देखिए पहले हम बना लेते हैं, पहले हम साइन इनवर्स 3/5 को 10 इनवर्स के रूप में लिखना चाहते हैं, तो साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल्स टू होगा 10 इनवर्स एक्स अपॉन अंडर रूट 1 - एक्स स्क्वायर, और हम इसको आगे लिख सकते हैं 10 इनवर्स 3/4। कैसे, ये 3/5 हो गया, और ये देखिए 25 - 9 16/25 का स्क्वायर रूट हो जाएगा 4/5, तो 5/5 कट जाएगा, मिल जाएगा 10 इनवर्स 3/4। अब यहाँ लगाते हैं कॉट इनवर्स 3/2, तो इसको लिख सकते हैं 10 इनवर्स 1/3/2, तो ये मिल जाएगा आपका 10 इनवर्स 2/3। तो अब हमारा सवाल कुछ ऐसा हो गया, टेन ऑफ साइन इनवर्स 3/5 उसके जगह पर लिख देंगे 10 इनवर्स 3/4 प्लस कॉट इनवर्स 3/2 के जगह पर 10 इनवर्स 2/3। अब यहाँ कौन सा फॉर्मूला लगाइएगा, यहाँ लगाइएगा कि 10 इनवर्स x + 10 इनवर्स y = 10 इनवर्स x + y / 1 - x / y। ये फार्मूला हम लोग लगाते हैं, आप सब फार्मूला लिखते चलिएगा कॉपी में, जितना बार सवाल बनाइए उतना ही बार फार्मूला लिखिए, तो आपको फार्मूला याद करने की ज़रूरत नहीं होगी, एप्लीकेशन से ज़्यादा फार्मूला यूज होता है और याद भी रहता है। तो ये हो जाएगा आपका 10 इनवर्स x + y / 1 - x / y। अब फर्दर इसको कैलकुलेट करते हैं आगे, तो ये मिलेगा 10 इनवर्स, देखिए 4 3 12 एलसीएम होगा न्यूमरेटर का और 4 3 12 एलसीएम होगा डिनोमिनेटर का, तो दोनों का एलसीएम जो है एक दूसरे से कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 3 9 प्लस 4 2 8 यानी 17, और यहाँ हो जाएगा 12 - 3 2 6 यानी 12 - 6। अब यहाँ लगाएंगे आप फॉर्मूला कि 10 इनवर्स x = x यानी 10 10 इनवर्स 17/6 = 17/6, यही आपका आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आप इस सवाल को समझ गए होंगे, एक बार फिर से हम बता देते हैं, हमने कहा कि पहले आप साइन इनवर्स को बदल दीजिए 10 इनवर्स में, फिर कॉट इनवर्स को भी बदल दीजिए 10 इनवर्स में, ताकि फार्मूला लगा दीजिए 10 इनवर्स x + 10 इनवर्स y का। यहाँ साइन इनवर्स x को 10 इनवर्स में बदलने का जो फार्मूला था वो था साइन इनवर्स x इज इक्वल्स टू 10 इनवर्स x अपॉन अंडर रूट 1 - x² और कॉट इनवर्स x इज इक्वल्स टू 10 इनवर्स 1 अपॉन x। उम्मीद है कि अच्छे से इस सवाल को आप सीख गए होंगे। चलिए चलते हैं सवाल नंबर 19 की ओर। 19 नंबर प्रॉब्लम है आपका कॉस इनवर्स कॉस 7π/6। यहाँ भी देखिए कॉस इनवर्स कॉस थीटा इज इक्वल्स टू थीटा का फॉर्मूला नहीं लगा पाएंगे, क्यों, क्योंकि इसके रेंज में वो नहीं है। कॉस इनवर्स कॉस थीटा बराबर होता है थीटा तब जब थीटा हो 0 से π के बीच में, देखिए ये 1π से ज़्यादा है क्योंकि 7π/6 है, तो ये फॉर्मूला नहीं लगाएंगे। तो पहले हम 7π/6 को तोड़ेंगे, तो हम इसको लिख देंगे कॉस इनवर्स कॉस 7π/6 को आप लिख सकते हैं π + π/6। अब यहाँ लगाएंगे कॉस π + थीटा का फॉर्मूला, कॉस ऑफ π + थीटा इज इक्वल्स टू क्या, तो देखिए π + थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में आ गया, यहाँ π है,
तो पाई से ज़्यादा यानी थर्ड क्वाड्रेंट में आ गया। थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस होगा नेगेटिव और पाई में नहीं बदलता है, कन्वर्जन नहीं होता है, यानी कोसाइन फंक्शन में ही रह जाएगा। यानी ये हो जाएगा कॉस पाई प्लस थीटा इज इक्वल्स टू माइनस कॉस थीटा। तो हम इसको लिख देते हैं कॉस इनवर्स कॉस पाई प्लस थीटा इज इक्वल्स टू माइनस कॉस थीटा, यानी माइनस कॉस पाई बाय सिक्स। अब यहाँ लगाएंगे फॉर्मूला कि कॉस इनवर्स माइनस थीटा इज इक्वल्स टू होता है पाई माइनस कॉस इनवर्स थीटा। ध्यान दीजिएगा बढ़िया से, साइन इनवर्स माइनस थीटा इज इक्वल्स टू होता है ओनली माइनस साइन इनवर्स थीटा, लेकिन कोसाइन फंक्शन में पाई ऐड हो जाता है। आप प्रॉपर्टीज के वीडियो को एक बार फिर से देख सकते हैं। तो ये हो गया कॉस इनवर्स माइनस थीटा, इसको लिख देंगे पाई माइनस कॉस इनवर्स थीटा, थीटा के जगह पर हो गया कॉस पाई बाई सिक्स। अब ये हो गया कॉस इनवर्स कॉस थीटा यानी ओनली थीटा, तब ये हो जाएगा पाई माइनस पाई बाई सिक्स। अब पाई में से पाई बाई सिक्स को आप माइनस करेंगे तो हो जाएगा सिक्स पाई माइनस पाई यानी फाइव पाई बाई सिक्स, और यही आपका आंसर है। वीडियो को एक दो बार पॉज कर कर करके देखिए, आपको ज़्यादा समझ में आएगा। चलिए चलते हैं सवाल नंबर 20 की ओर। सवाल नंबर 20 है आपका, फाइंड करना है साइन ऑफ पाई बाई थ्री माइनस साइन इनवर्स माइनस वन बाई टू। तो पहले हम क्या करते हैं, साइन इनवर्स माइनस वन बाई टू को निकाल लेते हैं। तो साइन इनवर्स माइनस थीटा का फॉर्मूला अभी हम आपको बताए थे कि साइन इनवर्स माइनस थीटा इज इक्वल्स टू होता है माइनस ऑफ साइन इनवर्स थीटा। तो हम इसको लिख सकते हैं माइनस ऑफ साइन इनवर्स वन बाई टू। हम इसको ये भी लिख सकते हैं माइनस ऑफ साइन इनवर्स साइन पाई बाई सिक्स, साइन 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1 बाई टू। अब यहाँ लगा देंगे साइन इनवर्स साइन थीटा इज इक्वल्स टू थीटा, यानी ये वैल्यू हो गया आपका माइनस पाई बाई सिक्स, ये वैल्यू हो गया आपका माइनस पाई बाई सिक्स। तो सवाल हो जाएगा आपका साइन, ये हो गया पाई बाई थ्री और माइनस इसका वैल्यू था माइनस पाई बाई सिक्स, इस प्रकार से। अब ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी हो जाएगा साइन पाई बाई थ्री प्लस पाई बाई सिक्स। पाई बाई थ्री हो गया 60 डिग्री और पाई बाई सिक्स हो गया 30 डिग्री, तो 60 और 30 मिलकर के हो गया आपका 90 डिग्री, और साइन 90 का वैल्यू होता है 1, जो आपका ऑप्शन है डी। ध्यान दीजिएगा 12 के बोर्ड एग्जाम में, खास करके बिहार बोर्ड में 50 ऑब्जेक्टिव सवाल रहता है, और वो सारे के सारे ऑब्जेक्टिव एनसीईआरटी के प्रत्येक एक्सरसाइज में जो लास्ट दो तीन सवाल है उसी से पूछता है, तो ये सवाल भी पूछे जाने की संभावना है, इस पर ध्यान दीजिएगा। चलिए चलते हैं सवाल नंबर 21 की ओर। क्वेश्चन नंबर 21 में है, आप देख रहे हैं टेन इनवर्स रूट थ्री माइनस कॉट इनवर्स माइनस रूट थ्री, ये भी ऑब्जेक्टिव है एनसीईआरटी का, ये लास्ट प्रॉब्लम है एक्सरसाइज 2.2 का। देखिए इसको क्या बनाएंगे, तो सबसे पहले हम यहाँ फॉर्मूला लगाएंगे कि कॉट इनवर्स माइनस थीटा इज इक्वल्स टू होता है पाई माइनस कॉट इनवर्स थीटा। इसका मतलब कॉट इनवर्स माइनस रूट थ्री को आप लिख सकते हैं पाई माइनस कॉट इनवर्स रूट थ्री। तो क्वेश्चन आपका हो जाएगा टेन इनवर्स रूट थ्री माइनस कॉट इनवर्स माइनस रूट थ्री को आप बदल दीजिएगा टेन इनवर्स रूट थ्री माइनस कॉट इनवर्स माइनस रूट थ्री को आप लिख सकते हैं पाई माइनस कॉट इनवर्स रूट थ्री। तो आपका यह हो जाएगा टेन इनवर्स रूट थ्री माइनस पाई और प्लस कॉट इनवर्स रूट थ्री। अब इस दोनों को आप एक साथ कर दीजिए, टेन इनवर्स रूट थ्री प्लस कॉट इनवर्स रूट थ्री और माइनस पाई। अब आपको दिख रहा होगा कि यहाँ कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, टेन इनवर्स एक्स और प्लस कॉट इनवर्स एक्स इज इक्वल्स टू होता है पाई बाई टू। टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स का वैल्यू होता है पाई बाई टू, तो यहाँ वैल्यू लिख देंगे हम लोग पाई बाई टू माइनस पाई। तो पाई बाई टू माइनस पाई को क्या लिख सकते हैं, टू एल सी एम पाई माइनस टू पाई यानी माइनस पाई बाई टू।
माइनस पाई बाई टू ही आंसर होगा, यानी ऑप्शन हो जाएगा आपका बी। तो इस प्रकार से हम आपको एनसीईआरटी एक्सरसाइज 2.2 का प्रत्येक सवाल बता दिए ए टू जेड, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 21 तक। हमको उम्मीद है कि आप अच्छे से पूरे सवाल को सीख गए होंगे। पूरे एक्सरसाइज को एक बार अपने से बनाइए, जहां प्रॉब्लम होता है वहां फिर से आप वीडियो को देखिए। वीडियो को लाइक करना मत भूलिए, दूसरों के साथ इसको शेयर भी कीजिए। और अब अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए। इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के बाद हम लोग शुरुआत करेंगे कैलकुलस, शुरू से पूरा, इनिशियल से, फ्रॉम बिगिनिंग, फ्रॉम जीरो। अभी आप देख रहे थे इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इसमें भी और प्रॉब्लम चलेगा। अगला लेक्चर में हम बताएंगे मिसलेनियस एक्सरसाइज एनसीईआरटी का ए टू जेड प्रॉब्लम। तब तक आप इतना वीडियो देखते रहिए। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, हैव ए नाइस डे।